वैभव त्रिपाठी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वापस मैं आपका रुख करती हूँ जो टेक्निकल इश्यू है इसे ठीक करा करके। और गौरव रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव रघुवंशी, आपने समर्थन तो दे दिया, बता दिया मायावती की व्यस्तता की वजह से वो खुद वहां मौजूद नहीं होंगी, लेकिन इसको आप लोगों ने स्वीकार तो कर लिया है। राजनीति भी खूब हो रही है, सामने चेहरा है द्रौपदी मुर्मू का कि किस तरीके से ट्रैवल के साथ ये किया जा रहा है व्यवहार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको बीजेपी की बी टीम अभी से करार दे दिया गया और कल कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट करके ये कह दिया गया था कि इससे स्पष्ट होता है कि 2024 का गठबंधन होने वाला है, कम से कम तस्वीर साफ हो गई है। यानी कि अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, ऐसी किसी भी संवैधानिक चीज का आप स्वागत करते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं, तो फिर बी टीम का जो तमगा है वो आपको लगा दिया जाता है। प्रिया जी, देखिए ये एक ऐतिहासिक पल है, देश को नई संसद मिल रही है, हम सबको बिना विवाद के इस पल का भागीदार होना चाहिए, इस पल की गवाही होनी चाहिए। और हम लोग शायद एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे नई संसद देश को मिल रही है और हम आगे अपने बच्चों को या आगे आने वाली पीढ़ी को ये कहानियाँ सुनाएंगे कि ये संसद हमारे सामने बनी थी, जैसे पिछली संसद बनी उस पीढ़ी के लोग बताते हैं। अब दूसरी बात आ जाते हैं, ये बी टीम वाला, बी टीम वाला कॉन्सेप्ट, जिसका समर्थन कर दो दूसरी टीम उसका बी टीम बताने लगती है। अभी अरविंद केजरीवाल जी के मुद्दे पर, जो केंद्र में जो दिल्ली की स्वायत्तता के मुद्दे पर बहन मायावती जी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था, भाजपा का विरोध किया था, तब कांग्रेस वालों ने किसकी बी टीम बता दिया। ये तो बड़ा एक विडंबना है इस देश में कि अगर किसी के अच्छे कार्यों को जरा सा भी आप कह दीजिए, एक दिन में बी टीम बना दिया जाता है, दूसरे दिन हम उनके साथ विपक्ष में खड़े होते हैं। तो इस चीजों का तो बसपा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि सपा कांग्रेस क्या कह रही क्या नहीं कह रही, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारा अपना दल है, हम अपनी नीतियों पे चलेंगे, हम अपनी विचारधारा पे चलेंगे, अपनी विचारधारा के अनुसार लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई में सफलता मिलती है असफलता मिलती है अलग विषय है, लेकिन हम लड़ाई अपनी पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे के थोपे हुए विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है गौरव रघुवंशी जी, कभी आप लोग साथ थे समाजवादी पार्टी के साथ थे, सर इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, आप कह रहे हैं कि दिल खोल के स्वागत करना चाहिए, ऐतिहासिक पल है, हमने भी देखा, प्रधानमंत्री ने हमारे ट्वीट किया ये वीडियो और हर देशवासी से अपील की कि आप इसको शेयर कीजिए, ऐतिहासिक पल है ये और इसको भव्य तरीके से हम इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, पूरा उनका टाइमलाइन भी सामने आया। आप अगर अपील करें जी प्रिया जी, ये जो संसद भवन है ये मोदी जी का नहीं है, भाजपा का नहीं है, ये पूरे देश का है। बिल्कुल। और ये देश के पैसे से बना है, मोदी जी के पैसे से नहीं बना, बीजेपी के पैसे से नहीं बना। और मैं भारत का नागरिक होने के नाते और बहुजन समाजवादी पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं इसका दिल खोल के स्वागत करता हूँ और मैं सारे विपक्षी दलों से ये आह्वान करता हूँ कि बड़ा दिल करते हुए हर चीज का विरोध मत करिए, कम से कम कहीं ना कहीं एक ऐसे मुद्दा जो एक इतिहास में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, कम से कम उसमें सहभागिता दिखाइए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने जा रहा है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने कही है कि सारी चीजों को दरकिनार करते हुए उस 28 मई को उस तारीख को आप साथ रहिए, क्योंकि तमाम पार्टियों के जो सांसद है वो वहां पर बैठेंगे। आलोक अवस्थी जी, अब तो बीएसपी भी यही कह रही है और हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं सभी के तरफ से, देखिए आप कांग्रेस को हम छोड़ दें और खास करके दीपक रंजन जी को छोड़ दें, हम दीपक रंजन जी इस जिद पे अड़े हुए हैं कि आप प्रधानमंत्री से क्यों करा रहे हैं, ये मतलब अजीब बातें आपकी दीपक जी सुनने में लग रही हैं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी इस तरीके का असंवैधानिक इसमें दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें बार बार आप ये कह रहे थे, चाहे वैभव त्रिपाठी कह रहे थे ये असंवैधानिक है। आलोक अवस्थी, मैं चाहूंगी इसका जवाब अब आप दे दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है सर, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष साथ नहीं है तो ठीक है चल लिए, चुनाव तो ये है नहीं सर, नए संसद भवन का आप लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, सारे अगर वहां पर सांसद जुटेंगे तो वो तस्वीर एक अलग होगी, एक अलग मैसेज भी जाएगा, जीत तब भी आप ही की होगी आलोक। देखिए यह गौरवशाली क्षण है, देश के सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना चाहिए, यह मोदी जी के निजी पैसे से या भाजपा के पैसे से नहीं बना है, भारत के टैक्सपेयर के पैसे से बना है और भारत के लिए बना है और आप सबको आमंत्रित किया गया है, आप इस छोटी छोटी राजनीति को छोड़ करके आज आपको शामिल होना चाहिए, राजनीति के बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे लेकिन आप ऐतिहासिक क्षणों से वंचित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सारे राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, बीजू जनता दल वहां पर आ रहा है, टीआरएस ने हम कहा है हम आएंगे,
वाई एस आर रेड्डी जी ने कहा है कि हम रहेंगे, मायावती जी का समर्थन मिला है, इस तरह से कई अकाली दल ने कहा है, कई सारे दलों के लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कांग्रेस को, कांग्रेस एक तरीके से जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच चुप्पी खड़ी होती है, जिनका संवैधानिक कोई पद ना होते हुए भी वे मणिपुर की जो है विधानसभा का उद्घाटन समारोह में खड़ी होती है, वह छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जाकर खड़ी होती है, क्या कारण है कि कांग्रेस जो है जो एक सांसद होते हुए आप जो है संवैधानिक वहां पर राज्यपाल को नहीं बुलाते हैं विधानसभा के उद्घाटन में, सोनिया गांधी वहां पर रहती है, किस हैसियत से वहां पर रहती है, यह जवाब देना पड़ेगा। तो यह खाली जो है नेहरू गांधी डायनेस्टी से जो गुलामी की मानसिकता है, यह कांग्रेस को मुबारक हो, हमारा देश संविधान से चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी है गरीब का बेटा, इनको सहन नहीं हो पा रहा है कि वो इतनी बड़ी चीज का कैसे जो है उन्होंने निर्माण करा दिया और कैसे जो है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब हम संसद बनाने जा रहे थे उस समय भी विरोध किया, किसकी क्या जरूरत है संसद की, जबकि खुद स्वयं कांग्रेस की लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार प्रस्ताव दे चुकी थी कि इसको बनाना है हमको, और चूंकि सत्ता उनके हाथ से निकल गई और भाजपा ने बनाया, तो उसको इनको आपत्ति होगी कि इनका नाम नहीं जुड़ पाया है, तो नाम नहीं जुड़ पाया है इसलिए विरोध करना है, इस विरोध की राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं। जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू जी का चुनाव हो रहा था तो उनको हराने पार्टी, एक लास्ट कमेंट सर, वक्त मेरे पास इतना ही था, एक लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी सर, इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आजाद हुआ देश, सबसे पहले सत्ता में आप ही थे और आप ही इस चीज का बॉयकॉट कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, अब ऐसा है जो साथी कह रहे हैं ना राष्ट्रपति मुर्मू जी की बात, गरीब का बेटा अपने घर से नहीं पैसे लाके संसद भवन बनाया है, और आदिवासी बेटी, आदिवासी महिला है वो, और देश की प्रथम नागरिक है, उनसे आप उद्घाटन करवा दीजिए, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होगा और आपकी ही ख्याति में चार चांद लगेंगे, लेकिन आप इस बात को नहीं जानते हैं। जिस पार्टी की सरकार है सर, उसने काम किया, उसका श्रेय अगर वो ले रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? कौन सा काम किया? सरकार का पैसा है, गरीब टैक्स पेयर का पैसा है, उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा है, इनको इसलिए आपत्ति है, गांधी परिवार की गुलामी की मानसिकता से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इनको आपत्ति है, इनको नहीं लगता है, इनको लगता है कि देश में सारी संपत्तियों पर अधिकार जो है गांधी परिवार का है, गांधी परिवार देश का मालिक नहीं हो सकता है। चलिए उम्मीद यही कि 28 तारीख को तमाम सांसद वहां एकत्रित होंगे और तमाम पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है भारत में, नया संसद भवन मिलने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।